नैनीताल में पिछले दिनों हुए खाद्यान्न घोटाले को लेकर खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने चावल के नमूने फेल होने के बाद जांच दल ने 18 चावल मिलों को नोटिस भेजा है। अधिकारियों के मुताबिक गोदाम में काफी मात्रा में चावल मौजूद है, जिन्हें प्रदेश के हर क्षेत्र में पहुँचाने का निर्देश दिया गया है। उत्तराखंड मिलर्स एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव से यहाँ पर एक बैठक हुई थी, तो उन लोगों के कुछ इश्यूज थे कि जो हमारे स्टोर्स हैं ग्रेन स्टोर्स, उनमें कहीं पर उन लोगों के द्वारा इंगित किया गया कि जो अनलोडिंग है उसकी स्लो प्रोग्रेस है, तो उसको लेके उन्हें आश्वस्त किया गया है कि इसमें तेजी आएगी। शेष जो है उन लोगों से क्वालिटेटिव ग्रेन सप्लाई के लिए आग्रह किया गया है, और विगत माह यहाँ पर एक बैठक आहूत की गई थी कि जो स्नो कैप्ड एरियाज हैं उनमें रेशन की सप्लाई बिफोर टाइम हो जानी चाहिए। तो एज ऑन डेट जो यहाँ पर रिकॉर्ड है हमारे पास, उसमें 2554 मैट्रिक टन का जो व्हीट है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से, वो 79 गोडाउन्स को सप्लाई किया जा चुका है, और जो राइस है उसमें भी ऑलमोस्ट सप्लाई हो चुकी है, थोड़ा बहुत बचा है उसे हम कल तक पूरा का पूरा करा देंगे। फिलहाल अधिकारी के आदेश के बाद कुमाऊं के हर क्षेत्र में चावल को पहुंचाया जा रहा है। नैनीताल से भूपेंद्र रावत, पंजाब केसरी टीवी। शनि काम बनाएंगे या बिगाड़ेंगे, गुरु किसका भाग्य संवारेंगे, कैसा रहेगा राहु का गोचर, मंगल से किसे लगेगी ठोकर, मैं बताऊंगा मेष से लेकर मीन राशि का हाल। भविष्यवाणी लाइव में पंजाब केसरी टीवी पर रोज सुबह 8 बजे।